दिस इज नायाब नदीम, रोल नंबर 37 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गोल्डफिश। हम गोल्डफिश के कैरेक्टर्स देखेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे एंड जो भी रिसेंट रिसर्च हो रही है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं, वो चीजें जो आज हमने डिस्कस करनी है। इसका इंट्रोडक्शन, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंस, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मॉर्फोलॉजी, पेरेंटल केयर, रिसेंट रिसर्चेस एंड देन अदर रेफरेंसेस। तो सबसे पहले अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, जनरल कैरेक्टर्स की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती चलूंगी, जो इसका नाम है गोल्डफिश, इसका नाम गोल्डफिश क्यों रखा गया। सबसे पहले क्योंकि चाइना में इसका ओरिजिन हुआ था, तो वहां पे जब सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया तो ये देखा गया था कि इसकी जो जुवेनाइल स्टेज है, यानी कि जो इसको इसकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है, उसमें जुवेनाइल स्टेज से लेकर अडल्ट स्टेज तक ये इसका जो कलर था वो इट्स लाइक गोल्ड, तो वहां से लोगों ने इसको जो है गोल्ड फिश का नाम दिया। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके जनरल कैरेक्टर्स में इसका अगर हम स्टेटस देखें तो इट्स अ फ्रेश वाटर फिश। अगर बॉडी शेप की बात करें तो हाई बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड फिश है ये। माउथ शेप, अगर माउथ शेप की बात करें तो इट्स स्मॉल एंड टर्मिनल, टेल इज फ्लैट एंड ट्रंकेटेड। फिन्स की बात करें तो पांच तरह की इसमें फिन्स एंड डोर्सल, कॉडल, एनल, पेल्विक एंड पेक्टोरल। और जो इसके अंदर स्केल्स हैं वो है मेटालिक, मेटेड और नेक्र स्केल्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसके मेरिस्टिक कैरेक्टर्स की बात करें तो ये फीडर किस तरह के, ये ओमनिवोरस है, ठीक है। और इसके अलावा ये बेसिक फिश फ्लेक्स या पैरेट फूड के ऊपर भी फीड कर सकती है। माइग्रेशन, इसके अंदर अभी तक माइग्रेशन का जो है कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। रिसेंट एक रिसर्च हुई है उसमें ये देखा गया है कि शायद जो है माइग्रेशन ये करती है, लेकिन जो इस पे ये जो रिसर्च की गई है या इसके बारे में ये जो कहा गया है कि ये माइग्रेशन करती है, इसमें जो है अभी तजाद है इस बात में। सो उस बारे में हम अभी कंफर्म कुछ नहीं कह सकते। लाइफ स्पेन इसका है 10 to 15 ईयर्स तक ये रह सकती है, और कुछ वैरायटीज में ये भी देखा गया है कि ये अप टू 30 ईयर्स तक जिंदा रहती है। वेट इसका 100 ग्राम से 300 ग्राम है, विद द मैक्सिमम ऑफ 3 केजी। एंड नेचुरल प्रीडेटर इसके ग्रेट ब्लू हेरन, ये एक बर्ड है जो कि इसका नेचुरल प्रीडेटर है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम इसका एनिमेलिया है, फाइलम क्वाडेटा, क्लास एक्टिनोप्टेराए की, ऑर्डर सिप्रिनीफॉर्म्स, फैमिली सिप्रिनॉइडी, जीनस सेरासियस एंड जो स्पीशीज है सेरासियस ऑरेटस। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसका जो सबसे पहले किया गया, मतलब जो सबसे पहले ये इवॉल्व हुई जहां से, वो है चाइना, ठीक है। चाइना में इसको सबसे पहले देखा गया था, फिर चाइना, हांगकांग, कोरिया, ताइवान, ठीक है, वहां पे भी फिर जो है इसकी कुछ स्पीशीज को ऑब्जर्व किया गया था। उसके बाद कनाडा में भी, जैसे कि कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा में कुछ रॉकी माउंटेन्स, साउथर्न फ्रांस, नॉर्दर्न इटली, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर एंड साउथर्न इंडिया के अंदर भी इसकी कुछ स्पीशीज मौजूद हैं। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में कैंसस, द नॉर्थन पार्ट ऑफ ओक्लाहोमा, वाशिंगटन, न्यू मेक्सिको, और इसके अलावा वहाँ पे जो पांच वैसे मेजर लेक्स हैं उनमें से चार के अंदर गोल्डफिश की जो कुछ स्पीशीज हैं उनको देखा गया है। वो जो लेक्स हैं उनका अगर मैं बताती चलूँ तो लेक एरी है, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन एंड लेक ओंटारियो। तो यहाँ पे जो है ये नेचुरली जो गोल्डफिश है वो मौजूद होती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में नेचुरली ये मौजूद नहीं है, ये एक एक्सोटिक स्पीशी है, इसको बाहर से ला के यहाँ पे जो है ब्रीड करवाया गया और फिर यहाँ पे जो है इसकी जो ब्रीडिंग है वो की जाती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंस ऑफ गोल्डफिश के, गोल्डफिश की इम्पॉर्टेंस क्या है, एनवायरमेंटल इम्पॉर्टेंस क्या है, या आप इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस कह लें वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी गोल्डफिश की बात करें, गोल्डफिश पे सबसे पहले जो काम हुआ था वो 1901 में जो साइंटिस्ट हैं अंडरवुड, इन्होंने काम स्टार्ट किया। और इन्होंने सबसे पहले जब गोल्डफिश पे काम किया तो उन्होंने ये देखा था कि ये जो फिश है ये क्या करती है कि ये डिवॉर्व करती है मॉस्किटो को, यानी कि ये मॉस्किटो के ऊपर फीड करती है। तो उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि इसको हम अगर एक जगह पे मॉस्किटो की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे अगर हम इसको मतलब किसी पानी में, कोई भी फ्रेश वाटर है या दूसरा वाटर है जहां पे
मॉस्किटो की जो जनरेशन है वो ज्यादा है, तो वहां पे अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने 1901 में इसके ऊपर काम किया था, एंड देन 1960 से 1980 के दरमियान में भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम होता रहा है। अगर हम जैसे बेसिकली हम अपना पबमेड को इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल्स वगैरह देखने के लिए, तो अगर आप आर्टिकल्स चेक करने के लिए वहां पे पबमेड में गोल्डफिश का नाम भी डालें तो आपके पास बहुत ज्यादा डाटा आ जाता है, बहुत ज्यादा इस पे काम जो पास्ट में हुआ है वो भी और जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है वो भी। इसको एक यूजफुल मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि क्योंकि क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो गोल्ड फिश है ये लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर इजीली रह सकती है। ठीक है, आप इसको लेबोरेटरी के अंदर इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड क्योंकि मतलब इसका ना इसको इसको एक जगह पे रखना मुश्किल नहीं है, आसान है, तो इसलिए ज्यादातर साइंटिस्ट अब जो है इसको यूजफुल मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट फिर अपनी जितनी भी उनकी रिसर्चेज होती हैं वो फिर वो कर रहे थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं या वो साइंस की कैटेगरीज है जिसके अंदर गोल्ड फिश को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करके लोगों ने जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपनी रिसर्चेज की हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये लेबोरेटरी के अंदर इजीली इसको हैंडल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोल्ड फिश इज इक्वली सूटेबल फॉर बोथ इन वीवो एंड इन विट्रो स्टडीज। इन वीवो एंड इन विट्रो स्टडीज के लिए भी ये बहुत ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि क्योंकि इसके मतलब इसके सेल या सेल टिश्यू कल्चर बनाना काफी ज्यादा ईजी है। ठीक है, वो मतलब उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक जो है ना लेबोरेटरी कंडीशन या बहुत ज्यादा आपको ना उसके लिए काम नहीं करना पड़ता, इनको इजीली हम जो हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड फिश इज वन ऑफ द फिश इज मोस्ट एम्प्लॉयड फॉर बिहेवियोरल स्टडीज। बिहेवियोरल स्टडीज के लिए भी गोल्ड फिश को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम जैसे हम बात करें कि इम्यूनोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इसके अंदर तो समझ आती है कि या जो है चले आप इसको इसके सेल्स को इस्तेमाल करके आप इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिहेवियरल स्टडीज की अगर हम बात करें तो उसमें इट इज क्वाइट डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। वो किस तरह के, सबसे पहले हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, 1963 में उन्होंने इस पे काम किया, रॉजर एंड मेलजैक। उन्होंने क्या किया कि जैसे बिहेवियरल स्टडीज में हम देखते हैं, बिहेवियरल स्टडीज में आप कोई भी ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ठीक है, और उनको एक स्पेसिफिक जगह पे आप रख के फिर डिफरेंट स्टिमुलाई के आप रिस्पॉन्सेस चेक करते हैं। तो उन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने गोल्ड फिश को लिया, ठीक है, और उनको उसको एक टैंक में रखा और उस पर काम किया। तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने क्या किया कि अब जैसे कि हमने बात की है कि गोल्ड फिश जो है ना डिफरेंट तरह की फीड के ऊपर रह सकती है, तो उन्होंने वर्म्स को एज अ रिवॉर्ड उसके लिए उस टैंक में रखा, लेकिन रिवॉर्ड क्या कि वो एक लिवर प्रेस करेगी तो उसको वो वर्म्स मिलेंगे। तो पहले मतलब एक दो स्टडीज में गोल्ड फिश ने रिस्पॉन्स शो नहीं किया, लेकिन जब गोल्ड फिश ने थोड़ा सा इस चीज को समझा कि लिवर को प्रेस करने से उसे वर्म्स मिलते हैं तो उसने इस चीज को एडॉप्ट कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने जब दोबारा उस पे दोबारा ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो गोल्ड फिश को ये चीज समझ आ गई, उसे ये चीज अडॉप्ट कर ली कि मैं लिवर प्रेस करूंगी तो फिर जो है मुझे फूड मिलेगा। तो इस चीज ने काफी साइंटिस्ट की हेल्प की। इसके बाद भी बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्चेस किए हैं कि जो गोल्ड फिश है उसको आप अगर बिहेवियर की अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें भी आप उसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड पॉपुलरिटी ऑफ पेट्स। जैसे कि हम सबको पता है, हम सबने देखा भी है कि बहुत से लोग इसको घर में जो है ना रखते हैं एज अ पेट। ठीक है, एक तो ऑर्नामेंट के तौर पे भी, क्योंकि इट इज क्वाइट ब्यूटीफुल, तो उसके लिए एज अ पेट भी उसे रखा जाता है, और ऑर्नामेंट के लिए भी बहुत से लोग जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस का शिकार होते हैं, जैसे एनजाइटी को ये जो है रिड्यूस करती है, इसके अलावा मतलब एनजाइटी को ये रिड्यूस करती है और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है जस्ट बाय लुकिंग एट इट। तो काफी ज्यादा लोग इसको पेट के तौर पे रखना भी पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में सबसे पहले दे आर नोन एज हियरिंग स्पेशलिस्ट स्पीशीज। ओके, एंड दे शोड अ जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स टू स्पेक्ट्रली एंड टेम्पोरली कॉम्प्लेक्स साउंड। ओके, इस पे जो है दो साइंटिस्ट ने काम किया, शिनुजुका एंड वटनाबे। इन्होंने 2013 में इस पे जो है काम किया था, तो उन्होंने कि जो गोल्ड फिश है, ठीक
है, वो स्पेसिफिक जो आपकी वॉइसेस हैं या स्पेसिफिक जो साउंड्स हैं उन पे उनका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करती है। उन्होंने ये देखा कि ये ना स्पेसिफिक मतलब अगर ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो कर रही है तो इट मीन्स कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है इसके ईयर के अंदर, इनर ईयर के अंदर, जो इस चीज के डिटेक्शन में इसकी हेल्प कर रहा है। क्योंकि जस्ट लाइक ह्यूमंस, जैसे वो कोई कॉम्प्लेक्स साउंड अगर प्ले करते थे तो वो उसका गोल्ड फिश रिस्पॉन्स देती थी। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज देखी, 2013 में काम किया। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्पीकर के अंदर भी बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे यू कैन सी इट्स वेबेरियन ऑसिकल। ये एक स्ट्रक्चर है जो जो फिश की जो है ना, जो जो फिश को हेल्प करता है कि वो कॉम्प्लेक्स साउंड्स को डिफ्रेंशिएट कर सके। इस स्ट्रक्चर को इन दो साइंटिस्ट ने फिश के अंदर डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज 3D विजुअल परसेप्शन। 3D विजुअल परसेप्शन स्टडीज शोड एविडेंस ऑफ व्यू पॉइंट डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस सक्सेस इन रिकॉग्नाइजिंग रोटेटेड स्टिमुलाई डिपेंडिंग ऑन शेप कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओरिएंटेशन। इसके ऊपर ये अभी बिल्कुल रिसेंट रिसर्च हुई है 2022 में, वेगमैन जे जे एट ऑल, ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने विजुअल परसेप्शन के ऊपर, गोल्ड फिश की विजुअल जो परसेप्शन है उसके ऊपर काम किया है। इन साइंटिस्ट का ये कहना था कि हमने जब इसके ऊपर काम किया है तो अगर अगर 2D जो इमेजेस होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट 2D इमेजेस, उस पे तो चले बाकी फिश भी रिस्पॉन्स शो करती हैं, लेकिन जो गोल्ड फिश थी जब इसे हमने 3D इमेजेस दिखाई या 2D इमेज को का एंगल हमने जब रोटेट किया, यानी 45 से हम उसको 90 पे लेके गए, तो भी गोल्ड फिश ने रिस्पॉन्स शो किया। तो दिस शोड के जो गोल्ड फिश है उसके अंदर 3D विजुअल परसेप्शन भी मौजूद है। ये जैसा कि इसकी आई का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इसकी आई का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें काफी सारी चीजें ह्यूमन से रिलेटेड है और कुछ चीजें डिफर भी कर रही हैं। तो साइंटिस्ट का तो ये कहना है कि 3D जो इमेज परसेप्शन है उसके अंदर है, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल रिसेंट रिसर्च है इसके ऊपर अभी और काम नहीं हुआ, तो लेट्स सी कि आगे इसके ऊपर और क्या क्या काम होता है। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। अगर हम गोल्ड फिश की आगे अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है, इसका सिंगल, ये आप चेक कर सकते हैं, सिंगल डोर्सल फिन है, ठीक है, इसकी फोर्क्ड टेल है, ये देखिए आप इसकी जो टेल है उसकी उसको जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पेयर्ड पेक्टोरल, ये यही बात है कि पेयर्ड इसका पेक्टोरल है, फिन है, पेल्विक फिन है और एनल फिन है। इसके अलावा इसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पायरेशन में इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है, और बार्बल्स इसके हेड के ऊपर बार्बल्स जो है ना यहाँ पे मौजूद होते हैं जो इसकी इसको जो है ना इसकी टेस्ट रिसेप्टर के तौर पे जो एक्ट करते हैं और जो टेस्ट परसेप्शन में इसकी हेल्प करते हैं। डेट वॉज द मॉर्फोलॉजी। इसके बाद अगर हम पेरेंटल केयर की बात करें तो पेरेंटल केयर, गोल्ड फिश डू नॉट इन्वेस्ट मच टाइम और एनर्जी इन टू ऑफस्प्रिंग। गोल्डफिश के अंदर हमें पेरेंटल केयर ज्यादा देखने को नहीं मिलती, ठीक है, एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा एग्स इसके फर्टिलाइज हो जाते हैं जो ग्राउंड पे ये एक जगह पे ले कर देती है, और वहां पे जो ऑफस्प्रिंग है उन्होंने फिर किसी भी पेरेंटल केयर के अलावा उसके बगैर उन्होंने जो है रिप्रोड्यूस करना, सॉरी, उन्होंने जो है ग्रो करना है और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, रिप्रोडक्शन करनी है, ठीक है, क्योंकि अब गोल्ड फिश का ये कि अगर वो पेरेंटल केयर स्टार्ट कर देगी तो वो खुद आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो इसलिए इसके अंदर ज्यादा पेरेंटल केयर हमें देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट इज द रिसेंट रिसर्च। ओके, अगर हम इसके अंदर रिसेंट रिसर्च की बात करें तो अभी 2023 में ही इसके अंदर जो है काम किया गया है। तो गोल्ड फिश की एक स्पीशी है ओरेंडा गोल्ड फिश, ठीक है, ये एक ऑर्नामेंटल फिश है और ट्रेड के अंदर, फिश ट्रेड के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको बहुत ज्यादा थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है इसकी ट्रेड की जाती है ड्यू टू इट्स ब्यूटी। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इट्स लाइक गोल्ड फिश बट इसके हेड के ऊपर थोड़ा सा मैस है एंड ऑल, सो मतलब कि इसकी ना ब्यूटी की वजह से एक इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंटल फिश है ये, और इसकी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ट्रेड की जाती है, लेकिन इसकी जो ब्रीडिंग है वो बहुत ही कम ममालिक में की जाती है, इंडोनेशिया में की जाती है इसकी ब्रीडिंग, और वहां से ये है ये बाकी मुल्कों में लोगों को एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन इस पे अभी जब रिसेंटली काम किया गया, लेकिन इसकी अब इसकी ब्रीडिंग कम होने की वजह क्या है, वजह बेसिकली ये है कि जब हम इस गोल्ड फिश की ब्रीडिंग करते हैं तो इसके अंदर एक इन्फेक्शन है, ठीक है,
अब वो इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन है कि वो इन्फेक्शन अगर इनके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए तो वो पूरी की पूरी कॉलोनी के अंदर फैल जाता है फिश की, और इससे ये होता है कि सारी की सारी फिशेज की डेथ भी हो सकती है, और जो फिर जो फार्मर्स होते हैं उन्हें इस चीज का नुकसान होता है। अब अगर इसकी इन्फेक्शन की अगर हम बेसिकली बात करें तो इन्फेक्शन ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से इस गोल्ड फिश के अंदर फिर फ्यूरोनियोकोलाइसिस। तो ये अब इस ये इन्फेक्शन क्या करता है, ये क्या बेसिकली जब इस फिश की बॉडी के अंदर जाता है तो वो सबसे पहले इसके गिल्स को डिस्ट्रॉय करता है, फिर इसके लिवर को, इसके इंटेस्टाइंस की, एंड देन इसके ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये काफी डिस्ट्रक्टिव बैक्टीरिया है और ये इसको जो है ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से इसकी जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो इस पे जब साइंटिस्ट ने काम किया कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने ये देखा कि ये ना बैक्टीरिया की वजह से इसकी जो है ब्रीडिंग ही कम करवाई जाती है। तो उन्होंने ये देखा कि अब इस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती है डिफरेंट तरह की, लेकिन उन एंटीबायोटिक्स का ये होता है कि उनका इफेक्ट होता है फिश की ग्रोथ के ऊपर भी, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इस तरह की कोई चीज हो कि वो हर्बल हो, ठीक है, और उसका बाकी फिश पे कोई इफेक्ट ना हो, अगर एक कोई इफेक्टेड भी है तो आप उसको जो है ना वो डोज दे दें तो वो ठीक हो जाए, या अगर एक कॉलोनी के अंदर भी वो है तो हम उसको उस मेडिसिन को इस्तेमाल करें और जो है इफेक्ट उस पे ना हो। तो इसके लिए उन्होंने देखा कि डेजर्ट रोज जो होता है, डेजर्ट रोज फ्लावर, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, और उन्होंने था कि तकरीबन 90-95% जो बैक्टीरिया था उसकी जो ग्रोथ थी वो कम हो गई थी, वो किल हो गया था। लेकिन अभी ये बिल्कुल रिसेंट रिसर्च है, 2023 में ये रिसर्च की गई है, तो इसको अभी जो है मतलब इसको जो है अभी पब्लिक नहीं किया गया, अभी इस पे काम जो है हो रहा है, अभी साइंटिस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन होपफुली हम ये कह सकते हैं कि इस पे काम हो ताकि गोल्ड फिश की ब्रीडिंग ज्यादा से ज्यादा हो, और जो इसके फायदे को देखते हुए जो है इसकी ब्रीडिंग ताकि ज्यादा की जा सके और ज्यादा ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। नेक्स्ट, दीज आर द रेफरेंसेस जहां जहां से भी ये डाटा लिया गया है, एंड दैट वाज ऑल अबाउट गोल्ड फिश, इट्स कैरेक्टर्स, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इट्स